हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति एंड टुडेज वीडियो विल बी ऑन द टाइमलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिन स्टूडेंट्स को आज या फिर कल वीज़ाज रिसीव हुए हैं या फिर जिनके रिफ्यूज़ल आई है उनकी प्रोफाइल के बारे में, कब उन्होंने अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी, कब उनका मेडिकल हुआ एंड आज उनको वीज़ा रिसीव हुआ है, तो उनका कितना टाइम लगा वीज़ा रिसीव होने में फ़ाइल लॉन्चमेंट के बाद। सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं इनकी फाइल लॉन्च हुई थी 4th अगस्त को, मेडिकल इनका हुआ है 10th अगस्त को एंड वीज़ा इनको ग्रांट हुआ 28th सितंबर को। कोर्स इनका रहा है बैचलर ऑफ IT। फंड्स इन्होंने 26 लाख शो किए थे फॉर GT एंड इनको वीज़ा ग्रांट हो गया है। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट हैं, इनकी रिफ्यूज़ल आई है एंड इन्होंने फ़ाइल लॉन्च की थी 25th जून को। मेडिकल इनका हुआ 5th जुलाई को, मेडिकल अपडेट हुआ इनका 8th जुलाई को। इन्होंने कोर्स अपना लिया था डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा इन IT, AIBT कॉलेज ऑफ हॉबर्ट से इन्होंने अप्लाई किया था एंड बैंक बैलेंस इन्होंने शो किया था एजुकेशन लोन के थ्रू। एंड इनका जो रिफ्यूज़ल का रीज़न है वो है माइग्रेशन एक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट है, इनको भी रिफ्यूज़ल आया है। इन्होंने 10th किया था RBSE बोर्ड से विद 51% मार्क्स एंड 12th किया था HBSE बोर्ड से विद 53% मार्क्स इन 2022। इनका IELTS का ओवरऑल स्कोर था 5 एंड नॉट लेस देन 4 बैंड्स। कॉलेज इनका इलाइट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था एंड फाइल लॉन्च हुई थी इनकी 20th जनवरी को। मेडिकल इनका हुआ 24 जनवरी को, मेडिकल अपडेट हुआ इनका 28th जनवरी को एंड रिफ्यूज़ल इनको मिला है कल 30th सितंबर को। वीज़ा ऑफिसर इनके रोहन है एंड एजेंट इन्होंने विनय हरी बताया है। नेक्स्ट स्टूडेंट है, इनको वीज़ा रिसीव हुआ है। स्टूडेंट नेम है अर्थ पटेल एंड फाइल लॉन्च इनकी हुई थी 21st जुलाई को, मेडिकल इनका हुआ 23rd जुलाई को, वीज़ा ग्रांट हुआ है 1st अक्टूबर को। इनका कोर्स है मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्होंने नवंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया था CQ यूनिवर्सिटी मेलबर्न से। नेक्स्ट स्टूडेंट है, इन्होंने फाइल लॉन्च की हुई है अपने 12 सितंबर को, मेडिकल इनका हो गया था 17 सितंबर को एंड अपडेट हुआ 21 सितंबर को। ये वीज़ा की वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और रिफ्यूज़ल आई है, इन्होंने मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था। इनका बैंड स्कोर था 6.5 ओवरऑल। 12th में इन्होंने 85% मार्क्स लिए हैं, BA इन्होंने 82% मार्क्स लिए हैं एंड BEd में इन्होंने 92% मार्क्स लिए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग के लिए इन्होंने अप्लाई किया था एंड 45 लाख फंड शो किए थे। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी, जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई किया था एंड रिफ्यूज़ल आया है इनका आज। नेक्स्ट एक वीज़ा रिसीव हुआ है हमें आज 30th सितंबर को, हमें वीज़ा रिसीव हुआ है एंड इस वीज़ा के बारे में ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है। बट हाँ, जो स्टूडेंट है इन्होंने 12th की थी 2016 में, ग्रेजुएशन इनकी कंप्लीट हुई थी 2019 में एंड PTE का इनका ओवरऑल स्कोर था 53 नॉट लेस देन 48 एंड इनका कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। और इनका एजेंट है स्टडी वर्ल्ड पटियाला से, इन्हें कल वीज़ा रिसीव हुआ है इन स्टूडेंट को। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।